एल्विस यादव सांप तस्करी में पूरी तरीके से घिर चुका है। अब इससे जुड़ी वो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसने सबको बौखला दिया है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरीके से इस कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए एल्विस यादव का पर्दाफाश हो गया है। भैया आपकी वीडियो नहीं आई मेरे पास। सर मेरा नेट ही खत्म हो गया, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ अभी। ओहो चलो, बाकी बिल तो मैंने बना के भेज दिया। ठीक है, आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विस भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था, वहाँ पे फॉरनर ही थे सारे। अच्छा, वो किसी फॉरनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो ये नोएडा में थी उनकी एल्विस भाई की पार्टी? नहीं नहीं, छतरपुर फार्म हाउस। बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ, मेरी यहाँ नोएडा में है ना, कासना के अंदर। यहाँ पर भी तो करिए नोएडा के अंदर वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ वीडियो है मैं वो भेज रहा हूँ, भेज तो रखी मैंने, वो 10% ही गई है आपके पास। हाँ, वो तो सेंड नहीं हो पाई अभी। देखो प्रोग्राम ना, प्रोग्राम की तो आप ये दिक्कत ही, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, मतलब इस टाइप का प्रोग्राम मेरे से ऊपर कोई करता नहीं है। अच्छा ठीक है, बाकी मैं मुझे 10 मिनट का और टाइम दे दो, मैं रिचार्ज करूंगा। प्रोग्राम चाहिए जैसे एल्विस भाई के हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा अंदर ये देख लेना कि कोई स्टेज टाइप थोड़ा सा हमारा हो जाए तो अपना वहाँ पे बैठ के हम अपना वो प्रोग्राम कर लेंगे, और माइक वगैरह का सिस्टम हो जाए। मैंने देखा ना, बैंकेट में तो होगा ही प्रॉपर। बोल के रखना मैनेजर से, अगर करा दे तो भाई 7 बंदों की टीम है उनके लिए थोड़ा। नहीं जी, सेकंड मैं एड्रेस देख लेता हूँ, आपने कौन सा लिखा है। हाँ ना, वो मैंने देखा हुआ है, ये शेवर है ना, मेट्रो पिलर। हाँ देखा हुआ है, होशियारपुर के पास है, मैं करता रहता हूँ प्रोग्राम यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बस तो फिर आपको तो पता ही होगा। हाँ मुझे पता है सारे, देखा हुआ। ठीक है भाई, प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए फिर आगे भी, लोगों को ना देखेंगे तभी कराएंगे लोग। भाई साहब आप किसी चीज की दिक्कत मत लो, बाकी आप YouTube वगैरह पे ना मेरे नाम से देखोगे सारा कुछ निकल आएगा। अच्छा अच्छा, मैं तो बाहर विदेश तक जाता हूँ फॉरन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बाकी मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको, मेरा नेट ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रिचार्ज करा लो। ठीक है, आप मैं ये बिल वगैरह मैंने भेज दिया है, 1000 रुपये अमाउंट एडवांस, बाकी काम होने के बाद। ठीक है, हाँ खाना वाना तो आपने मनाई कर दिया, अंदर नहीं है हमारा अलाउ। नहीं खाने की मैं आपका वैसे साइड में व्यवस्था करवा दूंगा, अंदर ही करा दूंगा। अरे हाँ, अगर प्रोग्राम अगर अच्छा होगा ना तो यार कोई दिक्कत नहीं, आप खाना ही खा लेना यार। चलो चलो ठीक, खाने की इतनी कोई बड़ी बात तोड़ना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था ना कि वहाँ 1500 रुपए की एक थाली है। हाँ, 7 बंदे भेजोगे तो हमारे देखो ना 12-13 हजार के तो खाना ही खाना भी हो गया ना। नहीं ऐसा होगा तो आप नाश्ता वगैरह कुछ ऐसा ही करा देना, स्टार्टर वगैरह, और खाने का तो आप हमें 2-4 हजार रुपए दे दोगे, हम बाहर से भी होटल वगैरह से खा लेंगे। तो आप आ जाना फिर 4:30-4 बजे तक। 6 बजे से 9 बजे तक का डाल दिया मैंने टाइम। हाँ तो वही मतलब 4:30-5 बजे तक पहुंचोगे तभी 6 बजे से हो पाएगी तैयारी। चलो 1 घंटा पहले आ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, बढ़िया से भाई, बढ़िया से ड्रेस व्रेस हो। भाई साहब कहने की आपको जरूरत नहीं है, मेरा काम है, मैं आज से नहीं 15 साल से कर रहा हूँ। आप भी ये कहोगे हाँ मैंने कोई प्रोग्राम कराया तो किसी बंदे से मेरा कांटेक्ट हुआ। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं तो करता ही इसी लेवल के काम हूँ। ठीक है, तो भाई वो अजगर देख लेना अगर हो जाए ना। मैं हाँ मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में, 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है, और देख रहा हूँ मैं टोटल जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। और कोबरा जो होते हैं ना वो उनसे कोबरा मेरे पास खुद के पास रखे 2 से 3 टाइप के, उनके फोटो भी मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना 5-6 कोबरा हो जाए, 2-3 अजगर हो जाए, मतलब फोटो हमें बढ़िया आ जाए। हाँ मतलब मैं अपनी तरफ से सारा सिस्टम वही बना के लाऊंगा मैं, जैसा फॉरन में लेके जाता हूँ। हाँ बस बच्चे खुश होने चाहिए बस, और अरे आप आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है भाई, ठीक। हेलो हेलो, हाँ जी भैया। हाँ भैया, अभी मैंने 4-5 वैरायटी तो आपको भेज दी है, बाकी जिस दिन का प्रोग्राम होगा उस दिन आ जाएगी अजगर वगैरह। परसों का दिया है? हाँ हाँ, तो परसों मतलब जब आऊंगा ना मैं तब लेके आऊंगा, क्योंकि इतने तो है मेरे पास, हम दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली तो बाहर, हाँ बाहर से लाना पड़ता है, दिल्ली के अंदर चेकिंग वगैरह चलती है ना बॉर्डरों पे। अच्छा ठीक है, बाकी प्रोग्राम की दिक्कत मत लेना, प्रोग्राम बढ़िया होगा और 10-11 वैरायटी आपकी हो जाएगी सारी। ठीक है, बिल मैंने आपको दे दिया, 1000 रुपए आप एडवांस डाल देना, कोई दिक्कत मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में, कोई दिक्कत नहीं। ओके है ना। अच्छा वो मैं ये कह रहा हूँ भाई, अजगर कर लेना यार गले में, क्योंकि अजगर हो गई भैया, अजगर से अजगर की सबसे पहले बात की थी मैंने, अजगर मिल जाएगी है ना, 4 हो जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दिक्कत मतलब ये गुरुजी बैठे थे, चेहरे की वीडियो मैंने ली नहीं, ये ट्रेनर है। अच्छा अच्छा, हाँ ये मतलब बच्चे वगैरह भी फोटो खिंचाएंगे ना, हाँ तो ये खुद साथ रहेंगे, और कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो जहरीली हो, वो तो सबका हाँ सबका जहर निकाल रखा है। ठीक है, जहर निकला हुआ है ना सबका। हाँ, बस ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, खतरा नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत, बस भाई बालक खुश होने चाहिए यार। अरे भाई साहब मैं वैरायटी सारी है, ब्लैक कोबरा,
स्मॉल कोबरा, और तीन चार तरीके के कोबरा होंगे, दुमई होगी, घोड़ा पचाड़ होगा, अजगर होगा, आपका पद्मनाग होगा, भाई अजगर, मतलब अजगर पदम वदम तो हमें पता नहीं, अजगर हो जाएंगे ना दो तीन, तो थोड़ा एक बढ़िया था वो आ दो जाएगा। दो तीन नहीं, अजगर तो एक ही होगा, अजगर नहीं होते ज्यादा हमारे पास। अच्छा दो हो जाए हाँ यार, दो दो हो जाए, क्योंकि भाई साहब, ऐसा होते ना तो अकेले की फोटो नहीं आती, दो बंदों की तो आती है ना, दोनों के गले में दो होगा तो बढ़िया रहेगा। दो होते तो बिल्कुल दो भी मैनेज करता हूँ, कर देता मैं, बाकी कोशिश मैं पूरी करूंगा। एक तो है मेरे पास, देखो मैं बोल दूं आपको और ना ला पाऊं फिर उसमें मजा नहीं है। बाकी है ना, अजगर से बढ़िया एक चीज होती है पद्मनाग, वो पता नहीं क्या था होता क्या है। बारे इतनी सुंदर होती है वो, आप देखना। अच्छा हाँ चलो, मैं तो ये सोच रहा था बस ये हाँ जो आपने भेजे ना ये वही बढ़िया लगेंगे, क्योंकि उनका मुंह ऊपर को आएगा ना ऐसे फोटो के समय। हाँ ये तो अभी क्या है ना, हमने अपने अंडर वैसे ही कमरे में रखे हुए हैं, आएंगे फूल वूल डाल के, माला वाला टाइप, अच्छा समझ रहे हो अच्छा ना, थोड़ा इस टाइप से लेके आएंगे, क्योंकि आपका तो अंदर बैंक्वेट के अंदर है ये प्रोग्राम है बैंकेट जो में, भी, हाँ ठीक तो उसी के हिसाब से हम भी अपना वो करके लेके आएंगे डेकोरेट। है। ठीक है तो भैया बस देख लेना अगर दो हो जाए अजगर ना। भाई साहब, कोशिश पूरी करूंगा, पर मैं पक्का नहीं कह सकता, एक है मुझे, एक मिली, अच्छा मैंने 10 जगह फोन कर लिया मेरी रिश्तेदारी में। हाँ तो बढ़िया, बड़ा है ना बिल्कुल। मतलब वो उतने बड़े नहीं होते जो बिल्कुल दो दो तीन तीन हाथ बड़े हों, इतने बड़े तो अब इंसान को ही निकल जाते हैं अजगर। हाँ वो अलाउड भी तो नहीं है ना, क्या है कि इतने बड़े जानवर को रखने के लिए हमें कम से कम एक खेत की जगह चाहिए, और दिल्ली में इतनी जगह है का। अच्छा हाँ बाकी है अजगर, मैं साइज मुझे भी नहीं पता, फोटो मंगा के देखता हूँ मिल जाती है तो, क्योंकि एक तो फोटो वगैरह भी नहीं रखने देते ना फोन के अंदर, काफी सकताई है इन चीजों के पीछे। अच्छा हमें नहीं पता भैया इस चीज का। अरे भाई साहब बहुत सकताई है, अब क्या बताऊं मैं, हम पहले सांप सपेरे का खेल दिखा लिया करते थे, वो सब चीजें खत्म होगी। आप कभी देखने को मिलता है आपको सपेरे कहीं सांप लेके घूम रहे, बहुत कम, नहीं ना के बराबर मिलता होगा कहीं। मैं तो देखता रहता हूँ आए दिन। नहीं सपेरा कोई सांप लेके नहीं घूमता पाएगा, नकली जरूर हो सकते हैं किसी के पास, नहीं लोनी में, लोनी वोनी में तो हमारे आए दिन आते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आउटर एरिया पड़ जाता है ना यूपी, अच्छा, उस साइड में है नहीं, दिल्ली के अंदर तो यहाँ कब कौन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पुलिस वाले कोई भी पकड़ के ले जाते हैं, इसलिए रखना तो बंद भाई ये कर फिर ये यहाँ पर तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहां कैसे ले जाते हो फिर? दिया। वहां पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरनर टाइप का, अच्छा तो जो उनका बुक करता है ना उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश भाई, हाँ तो बड़े उनके बड़े हाथ बड़े कौन आदमी, डालेगा? उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है, वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहां तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते, वो भी हाँ 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप, और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलते हैं वो। अच्छा हाँ क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते, हाँ बड़े क्योंकि नाम है एलविश ना यादव, बड़े कल ना, को बदनामी हो जाए सांप वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल।